एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा भारद्वाज ब्लॉग्स। जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में आप सबसे वादा किया था कि कल मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाना बताऊंगी, जिसे देखकर आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। तो यकीन मानिए, आपके बच्चे ही जो घर पे आपके बच्चे आएंगे ना, वो भी उसको देख के इतना खुश होंगे और कहेंगे कि मतलब उनको भी इस टाइप की चीज़ चाहिए। तो उसको बनाना मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपके साथ दो बातें करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल आपने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को वॉच भी कीजिए, देखिए, और वीडियो आपको कैसी लगती है तो ये कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो में किसी चीज़ की कमी लगती है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, तो ताकि मैं अपनी कमी में सुधार कर सकूँ। तो ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने घर पर ही पूरे वेस्ट से बनाया है, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ आपको बाहर से लानी पड़ेगी, उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो मैंने बनाया है ये कैंडी बॉक्स, तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसमें आप बच्चों की जो कैंडीज वगैरह होती हैं, जो भी कुछ होता है, उनके छोटे छोटे चीज़ें वो रख सकते हैं। इसे देख कर ना बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए आप, ये कितना सुंदर लग रहा है। और आप बताइए कि ये किस चीज़ से बना होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस चीज़ से बनाया है। तो इसको मैंने बनाया है जो वॉच आती थी ना, उसको खाली बॉक्स, तो ये खाली बॉक्स था वॉच का, उसको मैंने इससे बनाया है। और ये इसके ऊपर ये मैंने कैसे बनाई है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा वीडियो। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने ये कैसे बनाया है। और फाइनली ये देखने को मिलेगी, ये काफ़ी सुंदर है। तो आप एक बार जरूर देखिए वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई वेस्ट है और आपको समझ नहीं आ रहा उसका आप क्या बनाएं, तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं जो भी मेरे पास आइडियाज होंगे उससे कुछ बनाना आपको जरूर बताऊंगी। चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये तो बताई चुकी हूँ कि मैंने इसको बनाया किससे है। तो जो वॉच आती है उसका खाली बॉक्स है, आपके पास जो भी बॉक्स हो आप उससे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसको राउंड शेप में ही बनाएं, कोई भी शेप में, छोटा बड़ा, जैसा आपका मन करे आप बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ये लगाया है वॉल पुट्टी पेस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो घर में वॉल पुट्टी हम लाते हैं ना पेंट के टाइम में, उसमें थोड़ा सा फेविकोल और पानी मिला के उसका थोड़ा सा थिक पेस्ट बना लेना है, और उसी को उस पर अप्लाई कर देना है इसके चारों तरफ से, और इसके लिड पर भी अप्लाई करना है अच्छे से। जब आप उसको अच्छे से अप्लाई कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर फिनिशिंग देने के लिए आपको पानी लेना है, और अपने हाथों को गीला करके पानी की हेल्प से उसको, जैसे आपने देखा होगा ना मिट्टी के बर्तन बनाने में भी उनको फिनिशिंग देते हैं पानी लगा लगा कर, तो ऐसे अपने हाथ को गीला करके आपको इनको ऊपर से फिनिशिंग देनी है अच्छे से। तो जैसे आप इसको अच्छे से सेट कर देंगे तो ये सूखने के लिए इसको क्योंकि टाइम लगता है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर फिनिशिंग देना, देखिए आप मैंने शुरू कर दी, मैं बार बार पानी ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हाथ गीला कर रही हूँ, और इस पर अच्छे से इसको पूरा साफ़ करके अच्छे से, ताकि कहीं पर हमेशा मतलब चारों तरफ से इक्वल हो, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा ऐसे ना हो वॉल पुट्टी, एक इक्वल बेस आए। तो इसको मैं अच्छे से करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको सूखने में एक दिन कम से कम लगेगा। ये वीडियो मैं पहले ही शूट कर चुकी थी, शेयर आपके साथ आज कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है पूरी तरह। मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी से ही ये कुछ शेप्स बनाई हैं, जिसमें चॉकलेट है और जेम्स वगैरह की शेप मैंने यहाँ पर दी है। तो इस तरीके से आपका जो मन करे आप वो शेप्स बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर इसके लिड पर थोड़ा सा वॉल पुट्टी डो लगाकर ही इसको अच्छे से पेस्ट भी कर दूँगी, क्योंकि जो वॉल पुट्टी से चीज़ें अच्छे से फिक्स होती है ना, वो किसी और चीज़ से ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी ही लगा दी है अच्छे से, उसके बाद मैं इन्हें जैसे मुझे अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको पेस्ट कर दिया। हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में फेविकोल का भी यूज़ किया था, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी यहाँ से ना हटे। देखिए, अगर आप सोचें कि आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है तो आप इसको क्या बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी खाली बॉक्स पर पेंट करके इसको बना सकते हैं। और ये जो ऊपर की शेप्स हैं वो आप क्ले से या फिर कुछ भी जो आपको लगे कि जिससे अच्छी सॉलिड शेप आएगी, उससे आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब पेस्ट हो चुके हैं, इनको भी ड्राई होने के लिए मैंने एक दिन पूरा छोड़ा था, उसके बाद ये ड्राई हो गए थे। अब इसका करते हैं पेंटिंग का काम स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ। पेंट करते टाइम थोड़ा सा आपको कलर अलग दिख सकते हैं, क्योंकि मेरी रिंग लाइट का कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें क्या कलर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं
और जल्दी से आपका क्राफ्ट जो है वो ख़राब नहीं होता, आप इतनी मेहनत करते हैं तो यार क्राफ्ट कुछ टाइम तो चलना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इन्हीं कलर्स का यूज़ कर सकती हूँ। आप एक बार ये कलर लीजिए और बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर के लिए इनसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट कर दिया। अपनी भी करा रही है, मेरी हेल्प से कुछ नहीं कराती है, बस ये सब बिगाड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, लगी रहती है, खेलती रहती है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर करके कर लेती हूँ इसको कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो में बने रहना, देखते रहना, और अगर आप चैनल पर लाए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप मेरी सभी वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पर ये जो मैंने कलर किया है ऑरेंज कलर किया है, लेकिन रिंग लाइट के कलर की वजह से इसका कलर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अभी इसको फाइनल जो इसका कलर है वो अभी आपको आगे दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका है, कलर है जो रियलिस्टिक कलर है वो ये है। तो यहाँ पर ये कलर का काम हो चुका कम्प्लीट। अब हमें इनको ऊपर से थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना, तो वही करेंगे हम। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्राउन कलर से थोड़ी सी लाइनिंग दी है, तो यहाँ पर जेम्स वगैरह को मैंने कलर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये चॉकलेट और इस पर मैं थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर्स के डॉट्स दिए हैं। और साइड में भी आप जहाँ जहाँ आपका मन करे कहीं पर भी डॉट्स दे सकते हैं, या फिर आप कोई और शेप बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मुझे ये सिंपल ही रखना था, तो बस मैंने ऐसे ही सिंपल डॉट्स दिए हैं। उसके लिए मैंने ईयरबड का यूज़ किया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे कम्प्लीट। तो ये हमारा हो चुका है कम्प्लीट, बनकर तैयार। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो चॉकलेट है इसके ऊपर लिखा है कैंडी, और मैंने यहाँ पर एक स्माइली दी है इसको। इसकी अभी आप पूरा देखेंगे वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरा दिख जाएगा ये पूरा बनकर कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का मुझे बहुत वेट रहता है, ताकि मैं जान सकूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, चैनल को लाइक जरूर करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी सब चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं बनाते हैं उनको ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सब बना सकें। तो चलिए तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही कुछ नया लेकर आऊँगी कल। कल मैं बनाऊँगी कुछ इंटरेस्टिंग सा वॉल पेंटिंग, क्योंकि मुझे करना है अपने बेडरूम का मेकओवर, उसी के लिए मैंने भी बनाया है। तो वही आपके लिए कल मैं लेकर आऊँगी, तो वेट कीजिएगा कल के व्लॉग का। जल्दी से देखो इसके अंदर क्या है। ओ, अवनी का कैंडी बॉक्स। कहाँ पर है अवनी का कैंडी बॉक्स? इसमें अवनी क्या रखेगी, क्या सामान रखना है इसमें अवनू को? इसमें तो देखो क्या क्या है, इसमें क्या है अवनी, देखो जैम्स है, चॉकलेट है, कैंडी है, और चॉकलेट स्टिक है, और ये सब सामान है ना, है कुछ इसमें अभी, लेकिन आपको खाना नहीं है अभी, आपके छोटे दांत है ना, बड़े हो जाओगे ना, ओ बड़े हो जाओगे फिर खाना। लाओ सबको शेयर करो, सबको दे दो। सबको दे दो, सबको दे दो निकाल के इसमें से। लाओ मम्मा को दो, मम्मा को दो। थैंक यू अवनू, अवनू थैंक यू। इसी में लग दो, ऐसे लग दो, ऐसे लग दो। शब शब शाम उसको बंद कर दो, बंद कर दो। मैं ए हो गया बंद, खोल। अरे खुल गया ये तो, अपने आप से ही खुल जाता है ये तो।